लाइव लगातार की खबर का असर एक बार फिर गिरिडीह जिले में देखने को मिला। जिले के बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग के मरम्मती का काम शुरू हो गया है। सड़क की बदहाली और शिलान्यास के बाद भी काम शुरू नहीं होने की खबर लाइव लगातार ने कई दफे प्रमुखता से दिखाई थी। मरम्मती का काम शुरू होने के बाद लोगों ने लाइव लगातार का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि ये मुख्य मार्ग पिछले 5-6 वर्षों से काफी जर्जर हो गया था, जिसे देखते हुए 23 अक्टूबर 2019 को मरम्मती के काम का शिलान्यास तत्कालीन विधायक जयप्रकाश वर्मा द्वारा किया गया था। लेकिन इसके बाद भी मरम्मती का काम शुरू नहीं होने से उस रास्ते पर आवाजाही करने वाले लोगों को दिनों दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 27.7 किलोमीटर लंबी सड़क में 2 से 3 फीट के गड्ढे निकल आए थे, जिस पर चलना काफी मुश्किल था। ऐसे में अब बेंगाबाद से चतरो तक बने सभी गड्ढों को भरकर पिंचिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। सड़क निर्माण और मरम्मती का काम 23 मार्च 2020 को ही पूरा करना था, लेकिन अब तक मरम्मती का काम पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में अब काम शुरू होने के बाद मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने लाइव लगातार को धन्यवाद दिया है। लाइव चैनल को दिल से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि लाइव चैनल इस तरह का जो जन समस्या से जुड़ी हुई मुद्दे हैं उन्हें उभारने का काम करें, ताकि जनता के हित में जन उपयोगी योजनाएं सरातल पर चलाई जा सके। पुनः बेंगाबाद चतरो पथ का कार्य को प्रारंभ किए हैं। मैं धन्यवाद उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देना चाहता हूं, मैं लाइव लगातार को देना चाहता हूं कि जन समस्याओं को उठाने के बाद वह कार्य प्रारंभ किए हैं, और प्रारंभ हो जाने के बाद करीब करीब समझ लीजिए कि नहीं तो कम से कम 25 लाख की जनसंख्या जो है सो इस पथ से प्रभावित रहे, 25 लाख की जनसंख्या को लाभ मिलेगी। धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।